देखा जाए तो आजकल हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस समय बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल बढ़ते नहीं हैं, बालों का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है और बालों में जो थिकनेस और वॉल्यूम हमें चाहिए वो नहीं मिलता है। तो होममेड हेयर ऑयल इस समय बालों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि जो नेचुरल तेल है उसमें आपको पता है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हो, अपने पसंदीदा अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट हम उसमें ऐड करते हैं जिससे हमारा हेयर ग्रोथ रुकता नहीं है और नए बाल भी ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप कि मेरे स्कैल्प में आपको अनगिनत छोटे छोटे बाल दिखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ही अपना घर का तैयार किया हुआ तेल बालों में लगाती हूँ, सालों से ये मेरा हैबिट हो गया है। जितने सारे तेल मैं रिव्यू करती हूँ वो तो वीडियो बनाने के लिए मुझे रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन मेरा पसंदीदा तेल है होममेड ऑयल, जो तेल मैं घर पे तैयार करती हूँ। और जितने सारे हेयर ग्रोथ ऑयल का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उनको मैं दिखाती हूँ, उनको बाकायदा मैं तैयार करने के बाद अपने बालों में इस्तेमाल भी करती हूँ। तो थिकनेस आपको मेरे बालों का यहाँ पे दिख रहा है, और पिछले दिनों मैंने अपने बालों को काट भी दिया था ताकि मैं अपने बालों का देखभाल और भी अच्छे तरीके से कर पाऊँ। इसलिए आज के वीडियो में ऐसा ही एक होममेड हेयर ग्रोथ ऑयल का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सर्दियों में आप इसको अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके बालों में थिकनेस भी बढ़ेंगी, आपके बालों में जो वॉल्यूम मिसिंग था वो वॉल्यूम आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है रूपा। आज के वीडियो में फिर से और एक रेमेडी लेकर मैं हाजिर हूँ। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, बालों में थिकनेस नहीं है, तो इस होममेड हेयर ऑयल को आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेथी के दाने। मेथी के दाने को लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है, छोटे चम्मच के 2 चम्मच। यहाँ पे जितना तेल मैं तैयार कर रही हूँ ये 15 दिनों के लिए है। 2 चम्मच मेथी के दाने के साथ मैं यहाँ पे मिला रही हूँ सूखे रोजमेरी के पत्ते, ये भी लगभग 1 से 1.5 चम्मच लेना है। और इसके साथ और एक इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी और वो है बादाम तेल। अगर आप नारियल तेल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये सर्दियों का समय है तो नारियल तेल जम जाता है, इसको फिर धूप में रखना पड़ता है, वो एक अलग प्रॉब्लम। इसलिए मैं सर्दियों के समय नारियल तेल को थोड़ा सा इग्नोर करके बादाम तेल को ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है बादाम तेल। जितना क्वांटिटी आपने मेथी और रोजमेरी को लिया है उसके साथ लगभग 1/2 कप बादाम तेल सफिशियंट रहेगा। मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इस तेल को उबाल लेना है, या फिर आप डबल बॉयलर मेथड में भी इस तेल को तैयार कर सकते हो। तैयार करने के बाद छान के एक जार में रख दीजिए और इस तेल को आप लगाना शुरू कर दीजिए। लगाने के लिए आप इसको हफ्ते में हर दिन अपने बालों में लगा सकते हो। 3 दिन लगातार लगाने के बाद 4th दिन बालों को शैम्पू कर लेना है और 5वें दिन से फिर से इसको लगाना शुरू करना है। और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस तेल को रात में लगाइए, सारी रात रखिए और अगले दिन इसको शैम्पू कर दीजिए। और छोटे बच्चों के सर पे भी इसको लगाया जा सकता है। मेरे मेल व्यूअर्स भी इस तेल को अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कैस्टर ऑयल सूट करता है तो इसके साथ कैस्टर ऑयल भी आप मिला सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, एक हेयर ग्रोथ ऑयल का प्रोसेस और रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको ट्राई कीजिए, ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।